जब हस्बैंड और वाइफ एक ओल्ड टाउन में वापस आते हैं, यहीं पर वाइफ का एक एक्स बॉयफ्रेंड होता है। जब एक्स बॉयफ्रेंड इनके ही घर पर काम करता है, तब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है स्ट्रॉ डॉग्स। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 5.8 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक कपल अपने ओल्ड टाउन में वापस जा रहा था। एक्चुअल में ये टाउन वाइफ का होता है, वाइफ का नाम एमी होता है और हस्बैंड का नाम डेविड। काफ़ी सालों पहले अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एमी एक्ट्रेस बनने के लिए बाहर गई हुई थी, वहीं पर वो डेविड से मिली थी। एक्चुअल में डेविड मूवी डायरेक्टिंग का काम करता है। अब उन दोनों ने शादी कर ली थी और अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए एक छोटे से टाउन में रहना चाहते थे। अभी कुछ दिनों पहले ही एमी के फादर की डेथ हुई थी, उनका घर एमी को मिल चुका है, जिसकी वजह से अब इस टाउन में आकर वो रहने वाले थे। इस टाउन में आने के बाद एमी को अपने बचपन की सारी यादें आ रही थीं। फिर ये डायरेक्टली एक बार में पहुंचते हैं। बार में सभी लोगों ने एमी और उसके हस्बैंड को नोटिस किया। डेविड सिटी से था, इसलिए वो उन्हें बहुत ही अजीब लगता है। इसी बार में एमी का एक्स बॉयफ्रेंड भी था, जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली आकर एमी से बात करता है। एमी के घर पर काम करने के लिए डेविड ने ऑनलाइन जॉब डाला था और इसी जॉब के लिए चार्ली ने अप्लाई किया था, जिसके बारे में वो डेविड से बात करता है। डेविड को ये बात अच्छी लगी। एमी डेविड को जानती है, जिसकी वजह से उसने घर रिपेयरिंग का काम उसे दे दिया। डेविड जब बार में जाकर ड्रिंक ले रहा था, फिर यहाँ के लोकल कोच ने झगड़ा स्टार्ट कर दिया। उन्हें बहुत ज़्यादा पीनी थी, लेकिन बारटेंडर उन्हें मना कर रहा था। ये झगड़ा और ज़्यादा बढ़ने लग गया था। फिर यहाँ पुलिस आकर सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। इस टाउन में सभी लोग बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। डेविड को ये अनकंफर्टेबल लगता है। इसी बार में डेविड ने एमी और चार्ली की फ़ोटो देखी, जब वो स्कूल में थे तब एक दूसरे को डेट करते थे। इसी टाउन में एक मेंटली अनस्टेबल आदमी भी है, जिसका नाम जेरेमी होता है। एक्चुअल में जेरेमी को बहुत सालों पहले मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए था, लेकिन इस टाउन में वो हर एक आदमी का ख्याल रखते हैं। जब एमी और डेविड बार से बाहर निकले, तब जेरेमी उनकी कार में बैठा हुआ था। डेविड को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता। एमी जेरेमी से रिक्वेस्ट करती है और वो वहाँ से चला जाता है। घर आते हुए डेविड एमी से पूछता है, चार्ली तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? एमी पूछती है, क्या तुम्हें ये जेलस लगा? फाइनली मैं तुम्हारी वाइफ बनी। ये दोनों मिलकर फिर अपना हाउस देखते हैं। काफ़ी सारे काम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो इसके लिए एक्साइटेड थे। फिर यहाँ पर शिफ्टिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। डेविड एक न्यू मूवी पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से वो मूविंग में हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन एमी ये सारी चीज़ें खुद हैंडल कर लेती है। अगली सुबह चार्ली अपने सारे फ्रेंड को लेकर काम करने लग गया था, जिसकी वजह से डेविड की नींद खराब हो जाती है, जिसके बारे में उसने चार्ली से जाकर बात की। तब चार्ली कहता है, इस टाउन में हम सब लोग जल्दी उठते हैं, जल्दी सारा काम करते हैं, पर डेविड कहता है कल से थोड़ा लेट आना। चार्ली भी उसकी बात मान लेता है। फिर हमें इन दोनों की कन्वर्जेशन से लगता है शायद कुछ ट्रबल होगा, लेकिन चार्ली ने इसे बहुत ही लाइटली लिया हुआ था। कुछ देर बाद जब डेविड अपनी बुक पर काम कर रहा था, तब अचानक से चार्ली का फ्रेंड घर में आ गया। उसने बियर निकाली और डेविड से बात करने लग गया। ऐसे किसी का घर में घुस आना और बात करने लगना, ये डेविड को पसंद नहीं आता। इसके बारे में वो एमी से बात करता है। एमी कहती है, ये एक स्मॉल टाउन है और इसमें लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है। लेकिन फिर भी डेविड जाकर चार्ली से बात कर सकता है। डेविड फिर जाकर चार्ली से बात करता है। चार्ली को भी ये बात गलत नहीं लगती। आज चार्ली को अपने फ्रेंड के साथ जल्दी हंटिंग पर जाना था, जिसकी वजह से काम वैसे ही छोड़कर वो लोग चले जाते हैं। फिर रात में चार्ली और उसके फ्रेंड मिलकर डिस्कस कर रहे थे। डेविड के पास बहुत सारे पैसे हैं, हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन चार्ली कहता है हमें काम के लिए जितने पैसे लगेंगे वो उतने पैसे पे करने वाला है, वो कुछ भी इनलीगल नहीं करना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं रात में एमी और डेविड चेस खेल रहे थे और खेलते खेलते ये घपाघप करने लगते हैं। अगले सीन में हम कोच और जेरेमी के ब्रदर को देखते हैं। एक्चुअल में कोच की एक बेटी है, जिसके आसपास हमेशा जेरेमी घूमता रहता है। कोच जेरेमी के ब्रदर को कहता है, इसे जल्दी से मेंटल हॉस्पिटल में डाल दो, अगर मेरी बेटी के आसपास दिखा तो मैं उसे बहुत मारूंगा। जेरेमी का ब्रदर भी कहता है वो कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा। इसके बाद अगले दिन एमी मॉर्निंग में रनिंग कर रही थी। रनिंग करते हुए चार्ली और उसके सारे फ्रेंड उसे बहुत बुरी नज़रों से देखते हैं। उसे ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है।
जब एमी घर में आती है तो इसके बारे में डेविड से बात करती है। डेविड कहता है तुम्हें ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। एमी को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो कहती है क्या इसमें मेरी गलती थी। डेविड कहता है अगर तुम अच्छे से कपड़े पहनोगी तो तुम्हें रेस्पेक्ट मिलेगी। डेविड की इस घटिया सोच पर एमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तब वो फिर अपने ऊपर के कमरे में जाती है। वो वहाँ से चार्ली और उसके फ्रेंड को देख सकती थी। उसने अपना टॉप निकाल कर उसे अपनी बॉडी दिखा दी क्योंकि वो लोग यही चाहते थे। डेविड का गुस्सा निकालने के लिए उसने ऐसा किया था। चार्ली ये देखकर खुद एम्बेरस्ड हो जाता है। अगले दिन चार्ली और उसके फ्रेंड फिर से अपना काम खत्म करके टाउन में जा रहे थे। डेविड को टाउन से दूर यहाँ पर कोई भी कॉल का रिसेप्शन नहीं मिलता तो वो भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। वो बहुत ही स्लो कार चलाते हैं जो डेविड को अच्छा नहीं लगता। वो उसे आगे जाने के लिए साइड नहीं दे रहे थे। जब डेविड को उन्होंने साइड दी तब आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। डेविड बहुत मुश्किल से अपनी कार को कंट्रोल कर पाता है जिसकी वजह से आज उसकी जान भी जा सकती थी। ये चार्ली और उसके फ्रेंड ने जानबूझकर किया था। टाउन में आकर वो अपनी कार का टायर बदलवाता है। यहीं पर उसने एक लड़की को जेरेमी के साथ फ्लर्ट करते देखा। इसका मतलब था जेरेमी खुद जाकर उसकी बेटी के साथ बात नहीं करता, वही उसके पास आती है। लास्ट सीन में इसी बात को लेकर जेरेमी के ब्रदर और कोच में बहस हुई थी। डेविड बार में जाता है और वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करता है। एक आदमी ने उसे फुटबॉल के गेम के लिए इन्वाइट किया। सबके साथ घुलने मिलने के लिए डेविड भी इसके लिए हाँ कह देता है। इसके बाद अगले सीन में डेविड और एमी चर्च में आए हुए थे। डेविड गॉड में बिलीव नहीं करता लेकिन वो एमी के लिए यहाँ पर आया हुआ था। फिर वो बीच में ही उठकर चला जाता है। वो बाहर कार में जाकर सो रहा था। सब कुछ खत्म होने के बाद चार्ली डेविड के पास आता है और उसे कहता है मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तुम्हें जो लगे वो तुम बिलीव कर सकते हो लेकिन फिर भी इस तरीके से चर्च में बीच में उठकर जाना ये बहुत ही गलत है। ये कुछ लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है। वो उसे एक टाइप की धमकी दे रहा था। डेविड भी ये बात मान जाता है और वो चार्ली से कहता है मुझे बाइबल से एक बात याद है, नेवर की वाइफ पर नज़र नहीं डालनी चाहिए। चार्ली कहता है अगर नेवर की वाइफ तुम पर नज़र डाल रही हो तो क्या किया जाए। ये कहकर वो चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में गेम देखने के लिए पूरा टाउन आया हुआ था। एमी कोच की बेटी से बात कर रही थी तभी जेरेमी भी आकर उससे बात करने लगता है। ये कोच ने देखा और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो डायरेक्टली जेरेमी को आकर मारने लगता है। जेरेमी सिर्फ बात कर रहा था। कोच का इस तरीके से उसे मारना एमी को गलत लगता है और वो कोच को रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोच का गुस्सा एमी पर भी निकलता है। चार्ली ये सब देखता है और कोच को कंट्रोल कर लेता है। डेविड एमी को यहाँ से चलने के लिए कहता है। एमी डेविड पर भी गुस्सा थी कि उसने कुछ नहीं किया। डेविड कहता है इस तरीके से फाइट करना ये उसके प्रिंसिपल के खिलाफ है। आज रात जब डेविड ने अपना क्लोजेट खोला तो उसमें एक कैट को हैंग कर दिया गया था। वो ये देखकर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। एमी इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसे पता था ये चार्ली या उसके कुछ फ्रेंड्स ने किया होगा। डेविड कहता है हम डायरेक्टली उन पर एक्यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। एमी कहती है क्या तुम कुछ नहीं करने वाले। डेविड कहता है मैं उनके पास जाता हूँ, उन्हें पूछता हूँ कि मुझे मेरी कैट नहीं मिल रही। उनके एक्सप्रेशन से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। एमी के फादर को हंटिंग बहुत अच्छी लगती थी। इनका ट्रैप घर में पड़ा हुआ था तो इसी को लगाने के लिए डेविड ने चार्ली की हेल्प ली। फिर एमी यहाँ पर दूध लेकर आती है और कहती है मुझे मेरी कैट कहीं पर मिल नहीं रही। ये देखकर सारे लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। अगले दिन चार्ली के फ्रेंड हंटिंग के लिए जाने वाले थे जिसके लिए उन्होंने डेविड को भी इनवाइट किया। डेविड को लगता है अगर वो उनके साथ गया, उनके साथ उसने फ्रेंडशिप की तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोचकर अगले दिन वो उनके साथ चला गया। इस बार चार्ली हंटिंग के लिए नहीं आया हुआ था। हंटिंग करते हुए अचानक से एक डियर डेविड के पास से गया। चार्ली के फ्रेंड उस पर गोली चलाते हैं लेकिन ये गोली डेविड को लगने वाली थी। वो उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लोग भी गुस्से में डेविड को वही जंगल में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसी के दूसरी तरफ चार्ली एमी के घर पर पहुँच जाता है। वो उसे घर में घुसने के लिए मना कर रही थी लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती घर में घुस जाता है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। एमी ने रेजिस्ट करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। चार्ली के साथ उसका फ्रेंड भी था, उसने भी एमी का रेप किया। इसके बाद हम देखते हैं डेविड रोड पर आकर लिफ्ट मांगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर कहता है तुम यहाँ पर ये राइफल लेकर क्या कर रहे हो, इस जगह पर हंटिंग करना अलाउड नहीं है, ये एक सीरियस ऑफेंस है और तुम जेल में भी जा सकते हो। डेविड बहुत ही गुस्सा हो चुका था। फिर घर आकर ये सारी बात उसने एमी को बताई लेकिन एमी अपने बारे में उसे कुछ भी नहीं बता पाती। वो उससे कहती है तुम एक कावर्ड हो। जब एमी ने चार्ली और उसके फ्रेंड की कंप्लेंट डेविड से की थी तब डेविड ने अगर कुछ किया होता तो चार्ली की आज इतनी हिम्मत नहीं होती। एमी फिर रोने लग जाती है और कहती है
मुझे यहाँ से दूर जाना है, वो अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती। डेविड कहता है यही हमारा घर है, हम हमारे घर से नहीं भाग सकते। वो कहता है कल मैं चार्ली को काम से निकाल दूंगा। अगले दिन उसने इसके बारे में चार्ली से बात की। चार्ली पूरे काम के पैसे ले लेता है, फिर वो यहाँ से चला जाता है। जो भी हुआ, एमी इस सब से मूव ऑन करना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं सारा टाउन मिलकर गेम देखने के लिए जा रहा था। यही देखने के लिए एमी और डेविड दोनों आते हैं। यहीं पर फिर से कोच की बेटी जेरेमी से बात करने लगती है। वो कहती है मेरी गेम के लिए कुछ टाइम है, हम कहीं पर चल सकते हैं। वो उसे अपने लॉकर रूम में लेकर जाती है। वो उसे किस करने लगती है और उसके साथ घपाघप करने वाली थी। फिर हम देखते हैं कोच ने नोटिस किया उसकी बेटी कहीं आसपास नहीं दिख रही। वो सबसे पूछता है, तब उसकी बेटी की फ्रेंड उसे बताती हैं हमने उसे जेरेमी से बात करते हुए देखा था। कोच इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हर जगह पर उसे ढूंढने लगता है। वो जब लॉकर रूम में आता है तब जेरेमी डर जाता है। कोच की बेटी के मुंह पर उसने हाथ रख दिया जिससे वो कुछ ना बोले। मुंह पर हाथ रखने की वजह से कोच की बेटी का दम घुटने लग गया था। कोच जब यहाँ से जाता है तब तक उसकी बेटी की डेथ हो चुकी थी। ये सब देखकर जेरेमी को बहुत शॉक लगता है, ये सब एक्सीडेंटली हो गया था। गेम देखने के लिए चार्ली उसके फ्रेंड्स भी आए हुए थे। जब एमी उन लोगों को नोटिस करती है तब उसे अनकंफर्टेबल लगता है। वो जल्दी से इस गेम से घर जाना चाहती थी। डेविड और एमी जब घर जा रहे थे तभी अचानक जेरेमी उनकी कार के सामने आ गया। फिर इस एक्सीडेंट की वजह से जेरेमी के हाथ पर चोट लग गई। डेविड फिर जल्दी से जाकर उसकी हेल्प करता है। जेरेमी सिर्फ एक ही बात कर रहा था, ये सब मैंने नहीं किया। डेविड ने फिर एम्बुलेंस को कॉल किया और जेरेमी को अपने घर लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोच हर जगह अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। ढूंढने में उसने चार्ली और उसके फ्रेंड की हेल्प ली। जब डेविड ने एम्बुलेंस के लिए कॉल किया था तब चार्ली के एक फ्रेंड ने पुलिस के रेडियो पर यह बात सुन ली थी। उन्हें पता चल गया जेरेमी डेविड के पास है। फिर ये सब गुस्से में डेविड के घर पर पहुंच जाते हैं। चार्ली ने बाहर से डेविड से बात की, जेरेमी को बाहर भेजो, कोच की बेटी नहीं मिल रही है। जेरेमी बार बार कह रहा था ये सब मैंने नहीं किया और कोच की बेटी उसके पास नहीं है। ये सब सुनने के बाद डेविड समझ गया शायद कोच की बेटी को कुछ हो गया होगा और सारा ब्लेम जेरेमी पर आएगा। अगर वो जेरेमी को बाहर भेज देता है तो सारे लोग मिलकर उसे मार डालेंगे, तो इसी वजह से वो जेरेमी को बाहर नहीं भेजता। वो कहता है पहले पुलिस को बुलाओ, उसके बाद ही हम जेरेमी को बाहर भेजेंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था तो पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। सारे लोगों के हाथ में गन थी। पुलिस ने सब लोगों को शांत होने के लिए कहा। पुलिस वाला जाकर डेविड से बात करता है और वो कहता है जेरेमी को मुझे दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस वाला भी लोकल होता है तो डेविड उस पर भी बिलीव नहीं करता। ये दोनों जब बात कर रहे थे तभी कोच और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। अब तक जेरेमी ने उसकी डॉटर के साथ क्या किया होगा ये वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। यही गुस्से में उसने डायरेक्टली पुलिस पर गोली चलाकर उसे मार डाला। डेविड ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो जल्दी से जाकर सारे डोर वगैरह लॉक कर देता है। एमी भी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो कहती है बाहर बहुत सारे लोग हैं और हम यहाँ से हेल्प के लिए किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। एमी को लग रहा था उन्हें जेरेमी को उनके हवाले कर देना चाहिए। डेविड कहता है ने अभी अभी एक मर्डर विटनेस किया है, वो अब हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यहाँ जीने के लिए उन्हें फाइट करनी पड़ेगी। फिर जेरेमी ने एमी को अपने फादर की गन निकालने के लिए कहा। घर में उन्होंने सारी जगह ट्रैप बिछा दिए और घर में जो भी कुकिंग का ऑयल था ये सब बॉइल करने लग गए। चार्ली और उसके फ्रेंड घर में घुस नहीं पा रहे थे तो बाहर डेविड की बहुत ही एक्सपेंसिव कार उन्होंने ब्लास्ट कर दी। चार्ली का एक आदमी खिड़की से अंदर आ रहा था, उसका हाथ जिस जगह पर रखा हुआ था तो वहीं पर डेविड ने एक नेल गन से उसका हाथ पिन कर दिया। फिर कोच गुस्से में अपनी गन लेकर खिड़की में आया। अभी अभी जो ऑयल डेविड ने बॉयल किया था वो डायरेक्टली उसके फेस पर डाल देता है, उसने दो लोगों को इंजर्ट कर दिया। इसके बाद डेविड अपने घर में गाने लगाता है, ये एक ओपन इनवाइट था फाइट के लिए। चार्ली भी इस बात से इम्प्रेस हुआ। चार्ली और उसके फ्रेंड गाड़ी में बैठते हैं और वो गाड़ी से डायरेक्टली डेविड के वॉल पर टक्कर मारते हैं। अब कोच घर में अंदर घुस आया था। डेविड ने छुपकर कोच से उसकी ही गन उससे ले ली और उसे शूट करके मार डालता है। सबको मारते हुए उसकी गोलियां खत्म हो गईं, लेकिन अभी तक चार्ली जिंदा था। फिर चार्ली का फ्रेंड और वो जल्दी से ऊपर के कमरे में पहुंच जाते हैं। चार्ली का फ्रेंड भी गुस्सा था इसलिए वो एमी को मारने वाला था, लेकिन चार्ली उससे गन नीचे रखने के लिए कहता है। तभी एमी ने अपनी गन ली और चार्ली के फ्रेंड को मार डाला। इसके बाद डेविड चार्ली पर हमला कर देता है, लेकिन डेविड उसका कुछ नहीं कर पाता। चार्ली और उसमें बहुत ज्यादा फाइट होती है। चार्ली डेविड को मारने वाला था, तभी एमी चार्ली को मारने लग जाती है। चार्ली ने एमी से कहा तुम वरी मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा।
तभी अचानक से डेविड ने पीछे से एक ट्रैप लेकर चार्ली के हेड में डाल दिया। उसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। फाइनली एमी के साथ जो कुछ भी हुआ था इसका बदला डेविड ने ले लिया। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।